डॉक्टर पल्लवी पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे अपने प्रश्न पर अनुपूरक पूछने की आज्ञा प्रदान करी। जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और स्वाभाविक है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के साधन संसाधन स्थानीय जो हैं और सरकारी नौकरियों से अतिरिक्त जो उपलब्ध हैं, उनमें प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के युवाओं को वरीयता के अनुसार आप मिलना चाहिए। किंतु पिछले 6 वर्षों में ये दुर्भाग्य है हमारा मान्यवर कि पिछले 6 वर्षों में यहाँ पर जो भी स्थानीय साधन संसाधन उपलब्ध है उन पर गैंग्स ऑफ गुजरात लगातार लूटमारी कर रहा है और हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश का युवा और नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अपने आप को लुटता देख रहा है और लगातार आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। स्थानीय नौजवानों के प्रति सरकार का जो ये उदासीन रवैया है और जो अपेक्षा कर रही है स्थानीय नौजवानों की, उसके कारण ही यहाँ का युवा नौजवान आज ठेला खोमचा लगा करके पकौड़े तलने को मजबूर हो रहा है, सिगरेट और बीड़ी पीने को मजबूर हो रहा है। इसी संदर्भ में मैंने अपना प्रश्न पूछा था कि क्या श्रम और सेवा योजन मंत्रालय प्रदेश में स्थापित उद्योगों में 50% रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को देने हेतु कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी। इसका जवाब मिलता है कि ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है और यदि नहीं तो क्यों, तो जवाब आता है प्रश्न नहीं उठता। तो माननीय आपका संरक्षण लेते हुए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी, अगर इस बात का प्रश्न नहीं उठेगा तो किस बात का प्रश्न उठेगा? और आपने कहा कि विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है, अभी नहीं कहा, अभी तो आपने पूछा नहीं, बताया है। चर्चा है उसमें पेट दर्द तो स्वाभाविक है, सर दर्द भी हो रहा है। और इस बात में आपसे पूछना चाहते हैं कि आप और आपके साथ जो अन्य आपके सहयोगी जो सत्ता में सत्ता का सुख भोग रहे हैं और दलित और पिछड़ों के हक में बात करते हैं, वो आज जब हकमारी हो रही है तो अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं करते? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या प्रश्न करिए प्रश्न सर सी बात हाँ प्लीज। माननीय मंत्री जी, मैं आपकी और आपके सभी साथियों की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, आपकी मजबूरी को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन कम से कम नैतिकता के आधार पर तो आप और आपके सभी सहयोगी दल न्याय की बात करें। अरे आप वहाँ दलों के कहाँ चले गए, वहाँ कहाँ दिमाग कहाँ और प्रश्न कहाँ है? हमारे घर के ही बच्चे हैं, हमारे और आपके घर के ही नौजवान हैं। प्रश्न करो प्रश्न। हकमारी हो रही है, इसलिए मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न ये है कि क्या निजी कंपनियां जो सरकार से जमीन और बिजली जैसी अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर प्राप्त करती है, क्या ये उन संस्थानों में आप स्थानीय रोजगार हरियाणा सरकार की तरह 75% सुनिश्चित करने का काम करेंगे? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? बैठिए। मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है, दोनों एक साथ, क्या 25 करोड़ की जनसंख्या वाले इस प्रदेश में हर साल 2 करोड़ युवाओं को समायोजित करने के लिए आप प्रभावी कदम उठाएंगे? यदि हाँ तो क्या, कब तक, यदि नहीं तो क्यों? मंत्री जी, जो इतना पूछा उतना बता दीजिए। मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, आप पूछे, अब बताइए। माननीय सदस्य ने प्लीज बताइए, बड़ा सीधा सा प्रश्न किया है, तो सीधा सीधा जवाब दीजिए कि जो कंपनियां हैं, जो निजी क्षेत्र है, उसमें क्या हरियाणा सरकार, जो हमारी ही सरकार है, हरियाणा सरकार ने जिस तरह से वहां हरियाणा के नौजवानों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की है, क्या उस तरह की व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी? जी माननीय, उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर एक बड़ी संभावनाओं वाला प्रदेश है माननीय, और आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं माननीय।
इस तरह की व्यवस्था, अरे सुनने दो, अरे प्रश्न मैंने मैंने कहा कि जो पूछा उसी पे सीधा बोलूं, बोलने दीजिए ना, मेरे को लगेगा कि वो बाहर बोल रहे हैं तो मैं खुद निवेदन कर लूंगा मंत्री जी से। देश के कई प्रदेशों ने इस तरह की व्यवस्था की और वो सफल नहीं हो पाए मान्यवर। हाँ सही, अरे अभी तो जवाब तो आ जाए, अब कहाँ सहयोगी दलों के चक्कर में पड़ी हो आप। तो मान्यवर कई प्रदेशों ने इस तरह की व्यवस्था की और इस तरह की व्यवस्था को प्रदेशों को वापस करना पड़ा। उत्तराखंड का उदाहरण हमारे सामने है मान्यवर, हाँ जी, उत्तर प्रदेश, और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो किया, आज कई कंपनियों को वहां मैन पावर नहीं मिल रहा है, इस वजह से कई कंपनियां पलायन कर रही मान्यवर। और ये व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं ला सकते कि जो हमारी कंपनियां आज देश और दुनिया की कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में आ रही है, योगी जी की सरकार ने जो प्रयास किया, आज दुनिया भर के निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा डिस्टिनेशन आज उत्तर प्रदेश बना है मान्यवर। और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, उनको स्किल लेबर चाहिए मान्यवर, स्किल कर्मकार चाहिए, जो कुशल कामगार है उनको चाहिए, इसलिए हम इस व्यवस्था को नहीं ला सकते। और ये दूसरे जो प्रदेश में हमारे जो प्रवासी श्रमिक जाते हैं मान्यवर, उनके साथ भी कोई सौतेला व्यवहार न हो, इसलिए भी ये व्यवस्था ठीक नहीं, इसलिए हम इसको नहीं ला सकते। प्रश्न संख्या 9, श्री पंकज, नहीं वो पॉसिबल नहीं है जो उन्होंने कहा, वो सही कहा। अगर यहाँ से, अगर कानपुर से, लखनऊ से, यहाँ से कोई नोएडा नौकरी करने जाएगा तो कहेंगे भागो यहाँ से, संभव नहीं है, तो इसलिए वो सही कहा मंत्री जी ने। वो प्रश्न नहीं मानी पंकज मलिक, वो संभव नहीं है। फिर इसका मतलब पूरे देश भर में जहाँ इंडस्ट्रीज होगी तो वो कहेंगे आपको नहीं लेना, सब लोग बाहर चले जाओ, ये संभव नहीं है। प्लीज़ शेर पंकज मलिक, नो आप बैठिए, आपकी बात पूरी आ गई, प्लीज़ बैठ। मान्यवर एक शब्द आया है, गंगा गुजरात को निकलवा दें इस कागज। हाँ ठीक है, उसे निकलवा दीजिए। मान्यवर जी, आपके माध्यम से जी, प्लीज़ बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ जी। राशन वितरण प्रणाली पर मेरा प्रश्न था मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी सरकार से, अपने नेताओं से उम्मीद करता है कि मुझे राशन मिलेगा, मेरी मदद होगी, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप बहुत संपन्न होता तो उसे गरीब ना कहते। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूँ, जो राजनीतिक द्वेष के कारण प्रधान द्वारा या अन्य लोगों द्वारा राजनीतिक द्वेष के कारण जो पात्रता और अपात्रता तय की जाती है, क्या राजनीतिक द्वेष के कारण इस तरह के कटे कार्डों की जांच कराने की कोई व्यवस्था सरकार करेगी? मान्यवर आदरणीय मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए कि जो कोई प्रदेश के गरीब से जुड़ा मामला है, अगर गरीब ही नहीं रहा तो प्रदेश नहीं रहेगा, खत्म होगी। मान्यवर एक चीज और पूछना चाहता हूँ, ठीक सवाल। मान्यवर हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं, कोई मुजफ्फरनगर का आदमी अगर जाकर के गरीब आदमी दूसरी जगह